Today's inspiration: love and compassion are necessities, not luxurious. Without them, humanity cannot survive. स्नेह और दया कोई सुख के साधन नहीं है, बल्कि ये वो आवश्यकताएं हैं जिनके बिना इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद वाला वीडियो है, क्योंकि ये आपके गर्मी के दिन में आपके पेट को स्वस्थ और ठंडा रखता है। जी हाँ, आज गर्मी का मौसम इतना बढ़ता जा रहा है आजकल, जिसकी वजह से हमारे पेट की समस्या, कई सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। आपके किचन में कुछ ऐसे मसाले जिसे आप अपने रसोई में इसका इस्तेमाल कर, अपने खाने में इसमें डालकर आप अपने पेट को ठीक और सही रख सकते हैं। तो बात करेंगे उसके कुछ ऐसे मसालों के बारे में जो आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है, जो पेट की गर्मी को दूर कर आपके शरीर को स्वस्थ रखती है और पेट को ठंडा रखती है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। हो रहा हो दर्द, या हो रही हो बदहजमी, या फिर हो रही हो गैस की समस्या, कफ, वात और पित्त, और पेट को ठंडा रखने में आपके इन सभी चीज को ठीक करने के लिए या ठीक रखने के लिए आपको पुदीने का सेवन अपने आहार में जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर होती है ठंडी। या आपके बदहजमी, सीने में दर्द, एसिडिटी, कफ, वात, पित्त सभी को ठीक करने में आपकी बहुत मदद करता है। और आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर हरी इलायची, जी हाँ ये भी आपके किचन में मिल जाएगी हरी इलायची। इसकी तासीर होती है ठंडी। ये आपके सीने में जलन, पेट की कोई भी समस्या, एसिडिटी वगैरह जो भी हो, इन सभी के लिए हरी इलायची बहुत फायदेमंद होती है। तो आप अपने आहार में हरी इलायची का सेवन जरूर करें, ताकि आप इन गर्मी में अपने आप को ठीक रख पाएं और पेट की गर्मी। हल्दी का प्रयोग, हल्दी भी आपकी किचन में मिल जाती है, तो हल्दी का प्रयोग आप करते ही होंगे अपने लिए, लेकिन इसके गुण और फायदे थोड़े बहुत आपको मैं बता दूं कि ये आपके लिवर को स्वस्थ रखती है, लिवर को ठीक रखती है, आपकी त्वचा यानी आपकी स्किन को ग्लो कर रखती है, आपके खून को साफ करती है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। तो आपको हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में होने वाले सूजन और दर्द में भी बहुत फायदा देता है। तो देखा हल्दी के कितने गुण और फायदे, तो आप अपने आहार में इस मौसम में हल्दी का भी सेवन। बात करेंगे तुलसी के बारे में। तुलसी को आप चाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये हमारे शरीर में, हमारे शरीर को ठंडा रखता है इन गर्मियों के मौसम में, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मी का मौसम आती है, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर को ये ठंडा रखता है, आपके पेट को ठंडा रखता है। इसके साथ ही आपके तनाव को दूर रखने में आपकी बहुत मदद। बात करेंगे सौंफ के बारे में। सौंफ भी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। दूसरी बात, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखने में हमारी ये बहुत मदद करता है। उसके साथ ही हमारे होने वाले शरीर में सूजन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और अगर आपका गला खराब है तो आप सौंफ, काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में मिला के इसको चबा के चूसते हैं, तो आपका गला भी इससे ठीक हो जाता है। तो ये था गर्मी में आपको किस मसालों का प्रयोग करना चाहिए जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद और शरीर को ठंडा रखती है। मेरे स्टूडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।